हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद हम निकले हैं थोड़ा आउटडोर के लिए और आज थोड़ी आउटिंग करेंगे। और अभी सीतापुर से हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ड्रिजल हो रही थी रास्ते पर और अभी थोड़ा ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी है। एंड आज हम जा रहे हैं सबसे जो कंट्रोवर्शियल अभी तक यूपी का मॉल रहा है, लुलु मॉल। तो आज हम वहाँ चलेंगे और मैं आपको पूरा उसका टूर दूंगा एक। देखते हैं कितना बड़ा है, बहुत सुना है भैया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो देखते हैं आज पूरा लुलु मॉल का टूर लेते हैं। और बारिश अभी तेज़ हो गई है और जैसा कि मैं सीतापुर से आ रहा हूँ तो सीतापुर से जाने के लिए लुलु मॉल का सबसे आसान रास्ता मुझे वाया पॉलीटेक्निक लगता है। इधर से IIM रोड से भी जा सकते हैं लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ेगा क्योंकि फिर इधर एक जगह पड़ती है दुबग्गा, वहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा, फिर एयरपोर्ट रोड पे जाम मिलेगा और जो शहीद पथ जहाँ पे लुलु मॉल बना हुआ है तो उसके पॉलीटेक्निक से फर्स्ट हाफ में ही वो पड़ जाता है। तो इस वजह से हम लोग यही वाला रूट पकड़ेंगे और बारिश हो रही है तो ट्रैफिक भी कम होगा। तो जल्दी से चलते हैं और पहुँचते हैं लुलु मॉल। तो बारिश बिल्कुल फुल स्पीड से हो रही है और हम टेढ़ी पुलिया क्रॉस कर गए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे मुंशी पुलिया के लिए और बारिश देखिए बहुत स्पीड से हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है तो बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इधर आप देख सकते हैं वृंदावन एक कॉलोनी है निकल गई पीछे, वहाँ पे मेरा एक दोस्त प्रिंजल सिंह रहता है, एक नाम सुना आपने प्रिंजल सिंह। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, रुकी ही नहीं एक सेकंड के लिए भी, वही स्पीड से हो रही है बारिश। तो अभी मैं जल्दी से पार्किंग ढूंढ के पार्क करता हूँ गाड़ी, उसके बाद फिर शॉर्ट लेता हूँ। तो अभी बेसमेंट में जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने के लिए। बाइक पार्किंग है और यहाँ पे देखिए हेलमेट रखने का भी इंतज़ाम है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। यहाँ पे टिकट लेते हैं और देखते हैं कि कितने का पार्किंग टिकट है। कितने का है भैया पार्किंग? पार्किंग कितने का? पार्किंग का 10 रुपये घंटे का। तो 10 रुपये घंटे पार्किंग है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लोग ज़्यादातर 2-3 घंटे में बोर हो जाते हैं। और अब पार्किंग देखते हैं कि कहाँ पे लगाते हैं पार्किंग भी, काफ़ी यहाँ पे लग्जरी पार्किंग लग रही है यहाँ पे, ये बता रहे हैं इधर जाने के लिए। और ये पार्किंग, अरे भाई ये तो टोक्यो ड्रिफ्ट का रेसिंग ट्रैक लग रहा है भाई, जॉन्जेड है भाई। ठीक है सब पार्किंग वहाँ, यहाँ पर रेड लाइट्स हैं जहाँ पर पार्क गाड़ियाँ हैं और ग्रीन लाइट जहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रिवर्स करके लगा देता हूँ गाड़ी C2 पे। तो ये अपनी गाड़ी हमने कर दी है पार्क C2 बेसमेंट में। पार्किंग देखते हैं, ज़बरदस्त पार्किंग, तो ये हम एंटर हो चुके हैं पार्किंग से सीधा ग्राउंड फ्लोर पे। एंड फर्स्ट लुक में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, डेकोरेशन यहाँ का बेस्ट मुझे लगा अभी तक। और ये स्टारबक्स कॉफ़ी भी आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही मिलेगी। एंड ये रहा इसका फर्स्ट फ्लोर, ये रहा इसका सेकंड फ्लोर, दैट्स इट। एंड ये मुझे इसका गेमिंग जोन लग रहा है, अभी चलेंगे यहाँ भी देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और तब तक आप इसके थोड़े शॉट्स देखिए और इन्जॉय करिए। Thank you.
तो ये रहा लुलू हाइपरमार्केट, यहाँ पे ए टू जेड कहा जाता है कि हर चीज़ मिलती है। तो चलिए देखते हैं। तो लुलू हाइपरमार्केट में क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि जहाँ भी जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। तो मैंने वीडियोग्राफी वहाँ की नहीं करी। और ये देखिए डीकैथलॉन, ज़्यादातर जगहों पे ये मिलता नहीं है ब्रांड, एंड दिस इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर भी। तो ये अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर का लुक कुछ ऐसा है। वैसे कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक ब्रांड्स यहाँ पे देखने को नहीं मिले, सब वही नॉर्मल हैं, एक दो देखने को मिले बस। मतलब बहुत ज़्यादा हाइप जो इसकी बनी है वैसा कुछ लगा नहीं, कुछ खास बस। लेकिन डेकोरेशन यहाँ का बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। एंड ये है यहाँ पे फूड कोर्ट, फूड कोर्ट पर भी मुझे सब नॉर्मल ही खाने के फ्रेंचाइजेस दिखे, जैसे कि KFC है, बर्गर किंग है, केविंटर्स है, वेंगो है। इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़, कोई यूनिक चीज़ नहीं दिखी जो यहाँ पे हो एक्चुअली। तो अब चलते हैं हम हमारे गेमिंग जोन में और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। आइए आप इसका टूर लीजिए। रोलर कोस्टर है ना वहाँ से, एक
तो अभी हम जाएंगे रोप वे कोर्स पे, और ये काफ़ी मैंने देखा था इंटरनेट पे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, तो अभी देखते हैं कि जाके कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये मुझे गियर्स पहना रहा है, हेलमेट है, और उन्होंने मुझे अब हुक कर दिया है। एंड ऊपर चलते हैं। तो मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। जितना इजी लग रहा था उतना इजी था नहीं, हालांकि मैं उसको शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे फ़ोन्स वगैरह सब पॉकेट्स में रखने थे या नीचे आप लॉकर में रखिए। एंड इट वाज डैम स्केरी, बहुत डर लग रहा था। हालांकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, अब मैं इसके बाद फिर जाऊँगा तो मैं इसको फिर से ट्राई करूँगा। तो अभी हमें यहाँ के थर्ड फ्लोर पर पंटियोरा से हम लोग निकल चुके हैं, अब कुछ लंच करेंगे, थोड़ी देर और एक्सप्लोर करेंगे और फिर घर के लिए निकलेंगे। ये देखिए बॉलिंग भी है यहाँ पे, मैं देख नहीं पाया वरना मैं बॉलिंग भी ट्राई करता है यहाँ पे, लेकिन अब लेट हो रहा है तो अब मुझे सीतापुर भी जाना है। 100 किलोमीटर है यहाँ से, तो अब निकलेंगे यहाँ से। वैसे यहाँ काफ़ी चीज़ें कमिंग सून दिख रही हैं, तो अभी थोड़ा टाइम देते हैं इसको, थोड़ा इसको इवॉल्व होने देते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूनिक मिलेंगी। अभी क्योंकि इसकी स्टार्टिंग है तो वही मुझे लगता है कि नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे हैं। इससे पहले एक मॉल है प्लासियो, वो जब मैं गया था तब वो बेस्ट था, मैं किसी दिन जाके उसका भी आपको पूरा टूर दूंगा। तो अभी हम निकल के पार्किंग स्लॉट पे आ गए हैं, मेरा पार्किंग नंबर था C2। थोड़ा लंबा वॉक करना है क्योंकि मैं गलत एग्ज़िट से आ गया हूँ, तो अब चलते हैं गाड़ी के पास। ये खड़ी अपनी गाड़ी, अब इसमें बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अभी फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग घर के लिए। गेमिंग जोन में काफ़ी टाइम लग गया, बहुत मज़ा किया, और उसके बाद थोड़ा लंच किया। फिर मुझे एक स्मार्ट वॉच लेनी थी लेकिन यहाँ कुछ समझ में नहीं आई। वैसे मैं इसका अगर रिव्यू बताऊँ तो इससे पहले एक मॉल है प्लासियो, वो इससे काफ़ी अच्छा है। मतलब उसमें आपको हर तरीके के ब्रांड्स मिल जाएंगे, इसमें वही कॉमन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, और उसमें प्लासियो में आपको हर एक ब्रांड मिल जाएगा, और वहाँ का फूड कोर्ट भी यहाँ से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 कुछ, उसके बाद मेरा पर्सनल काम था मॉल से निकलने के बाद जो मैंने पूरा किया। अब निकलते निकलते 10 बज गया है, तो अभी मैं बख्शी तालाब पहुँच गया हूँ और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो आगे इन केस अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा क्योंकि बारिश में काफ़ी अलर्टनेस चाहिए होती है ड्राइविंग के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको ठीक ठाक लगा होगा और आप बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।